मम्मी आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा। नहीं, हम चिल्लाती भी रहे तब भी तुम वीडियो बनाओगी हमको। ओके मम्मा, कितना डांटती है श्रेया को। सुहाना कूल डाउन, जिंदगी बर्बाद हो गया। जिंदगी चल रही थी, पता नहीं पेपर कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, मैं चल रही कंट लाना जरा पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं चिप्स, और चिप्स में अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बनते हैं। आप लोग बोलोगे कि चिप्स में स्वादिष्ट कैसा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं इसमें मैं क्या ऐड करने वाली हूं, जिसमें कि इसका कलर और ये कुरकुरे बनेंगे, क्रंची बनेंगे और स्वाद में ही बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि कई लोग चिप्स बनाते हैं अपने अपने तरीके से, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा सिंपल ही है। बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देंगे हम जिसमें स्वादिष्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और सारा काम हो गया है, हमने बोला चलो ये भी काम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनाना है। मैं ना छोटे बड़े आलू बिल्कुल सारे कुछ ले लिए, आप लोग देख सकते हो। और मैं ये नहीं देख रही हूँ कि बड़े बड़े आलू, क्योंकि मैं ना छोटे और बड़े आलू दोनों एक साथ ही लाए थे, और मैंने बोला जो जो बड़े होंगे सारे कुछ बना दूँगी, एक साथ ही तो बनाना है। और यहाँ पर श्रेया शूट कर रही थी, कुछ बोल रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैं उसे उस तरीके से देख रही थी। एडिटिंग करते समय कुछ कुछ समझ में आता है कि हम किस बात पर नाराज़ हुए थे। तो देखिए, ये जो है ना ये कद्दूकस करने वाली किसनी बोलते हैं, ये शुक्ला जी लेकर आए थे। मैंने बोला था मुझे चिप्स बनाने होते हैं, उस बार तो उन्होंने ना 10 किलो के चिप्स ऐसे ही उन्होंने करके दे दिए थे, मैंने बस बॉयल किए थे। तो देखो, कुछ मैंने गैस पे कर दिया था, कुछ मैंने इंडक्शन में लगा दिया, ऐसे बन गया। और आप लोग बोलोगे मिलाया क्या है, सुहाना तो बता ही नहीं रही है। तो चलो मैं आपको बता दूंगी, बने रहिए वीडियो पर। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के चिप्स काले पड़ जाते हैं सूखने के बाद, अपन इतनी मेहनत करते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, काले काले चिप्स का। और उसके बाद जैसे तैसे कलर वाइट आ जाता है सूखने के बाद, चिप्स बहुत अच्छे दिखते हैं बट फ्राई करने में तुरंत ही लाल हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं चिप्स इस तरीके से बिल्कुल एक एक करके डाल रही हूँ। कोई भी चीज़ बनाना इतना आसान नहीं, मैंने बोला थोड़े से आलू हैं तो मैंने बोला इतने काफ़ी हैं, चिप्स बना लेंगे। पर वो एक तसले हो गए, मैंने बोला ये भी किस दो, इसको भी किस दो, इसको भी किस दो, करते करते अब ज़्यादा हो गया, पूरा एक तसला हो गया। अब मैंने करीब 5 बारी में बनाया हुआ है, कुछ इंडक्शन में चढ़ाया, उसी पानी में, मैं 2-3 बर्तन नहीं मैंने किए, कुकर में ही बना रही थी, क्योंकि जो वो लास्ट का आलू का बॉयल वाला पानी रहता ना वो काम आएगा, इस कारण से एक ही पानी में बॉयल कर रही थी। मैंने आधा कुकर पानी लिया था और उसी आधे कुकर के पानी में सारे चिप्स बॉयल कर लिए मैंने। और यहाँ पर मैंने पोंछा भी लगा दिया है, बैक कैमरे से बताती हूँ, यहाँ पर मैंने ये पोंछा लगा दिया है क्योंकि ना मैं ध्यान नहीं दे पाई, और यहाँ पर कुकर जो चढ़ा था उसका पानी ऊपर आ गया और पूरा यहाँ पर फैल गया था, तो ये मैंने पोंछा है पर ये नहीं छूट रहा था, तो ये तो पहले का है तो छूट नहीं रहा था, पर मैंने इसको भी पोंछ के फिर मैंने इसमें नहीं चढ़ाया। 2-3 बार इसमें हो गया था और 2 बार इसमें हो गया, 3 बार उसमें हुआ, 2 बार इसमें हो गया, तो इसमें ये लास्ट चढ़े हुए हैं, तो इसमें ये लास्ट चढ़े हुए हैं, ये बॉयल हो जाए बस। और ये तामझाम रखा हुआ है, इसी में छानेंगे, तो ये चढ़ा हुआ है, ये है मही। हम चलते हैं छत पर और देख कर आते हैं श्रेया को क्या कर रही है, क्योंकि एक बारी के चिप्स मैंने दिए हैं, श्रेया तू डाल के आ।
तो फ्रेंड्स आप लोग बने रहिएगा, मैं बताऊंगी कि मैंने चिप्स में क्या ऐड ऐसा किया और क्या ऐड करना चाहिए जिसमें आपके चिप्स बढ़िया बढ़िया से क्रंची टेस्टी से बने। तो यहाँ पर फलाहारी नमक मिलाया है मैंने, ये लास्ट बारी का है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा करके मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाने के लिए क्या बनाऊँ, तो गोभी और गाजर मैंने कट कर लिया है और मैं गोभी गाजर की कढ़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हींग का पैकेट था तो हींग का पैकेट मैंने डिब्बी में ऐड कर दिया, मैंने बोला चलो इसमें ही रखी रहेगी। और कुछ मिर्च लिया खड़ी, और आप लोग देखते जाइए क्या क्या करने वाली हूँ। तो मम्मी आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा। नहीं, हम चिल्लाते भी रहे तब भी तुम वीडियो बनाओगी हमको। ओके मम्मा, चाहिए कि सुहाना कितना डांटती है श्रेया को। सुहाना कूल डाउन। आज मैं बना रही हूँ, लेट हो गई हूँ खाना बनाने से, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी और गाजर की कढ़ी, है ना। यहाँ पर मैंने मठा लिया है, मठे में बेसन फेंट लिया है मैंने थोड़ा सा। अब इसमें मिला दूंगी मैं ये हल्दी, और मिला देते हैं धनिया पाउडर, और मिला देते हैं थोड़ी सी मिर्च, इतनी मिर्च। बाकी मसाले का काम कंप्लीट। और यहाँ पर राई जीरा हो गया है, थोड़ी सी हींग निकालते हैं हम, ये देखो। तो ये मिर्च है, और ये डाल दिया मैंने, और मैंने फिर ये डाल दिया। तो आज हम बनाएंगे गोभी और गाजर की कढ़ी, फर्स्ट बार बना रही हूँ सच बताऊँ तो, और लास्ट में मिर्च। आज मुझे मिलने वाला है नई वैरायटी की कढ़ी खाने। मैं प्रभु पर तेरी, क्या लाइट आई नहीं थी क्या। डाल दिया है हमने नमक, सॉल्ट, और इसकी कुछ बेराइन बेराइन की खुशबू आ रही है हमें, क्योंकि आपको। और ये हमारी मम्मी ने नानी के घर जैसा काम कर दिया है जो इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मठे में बेसन ऐड कर दिया था और मैंने डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम। बड़ी मुश्किल में मठा मिला है, तो हमने बोला चलो आज कढ़ी बनाते हैं, पर ये नहीं पता था इस कढ़ी का अंजाम ऐसा होगा, मुझे नहीं पता था। मैंने बोला कढ़ी है और इतना नुकसान नहीं करेगी, पर श्रेया को फिर से खांसी आने लगी। यहाँ पर मैं आटा निकाल रही हूँ, और श्रेया बोल रही थी मम्मी कितना आटा निकाल रही हो। अब ना उस पीपे में, ये डब्बे में आटा ही नहीं था, पैकेट का ख़त्म हो गया। तो मैंने जितना है निकल रहा, मैंने तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है निकाल, मैं रही हूँ। तो बोलती है इतनी देर से निकाल रहे हो, निकल ही नहीं रहा है। मैंने बोली बस निकल गया, आज की रोटी बन जाए फिर मैं न्यू पैकेट खोलूँगी, ये मैं बोल रही थी उससे। क्या पैकेट वाला आजकल मंगाते हैं ना, तो ऐसे ही है और क्या। कभी पैकेट वाला नहीं खाया, पैकेट वाला खाना पड़ रहा है। पहले क्या था, घर के गेहूँ होते थे तो अपना पिसवाया और टंकी भर गई। अब क्या होता है, हम लोगों को ऐसे मंगाना होता है। दोपहर का टाइम है, छत पर आए हैं, हमने बोला चलो टमाटरों को देख लेते हैं थोड़ा। तो मैंने ना इसमें कुछ कलाकारी नहीं करी हूँ, यानी कि सारा पेड़ जो है ना ये लेटा हुआ है, इसको ऐसे थोड़ा ठीक करना होगा। तो फ्रेंड्स कढ़ी बन गई है, और यहाँ पर रोटी भी सिक गई है, गोल गोल चावल भी मैंने बनाए हैं। श्रेया कढ़ी और रोटी खा लेगी, मैं चावल और दो रोटी। श्रेया गई है नहाने के लिए, हम जब तक खाना तैयार कर लेते हैं वो आकर गर्मा गर्म खा लेगी। पूजा हो चुकी है। आप लोग बोलते हो कि इतना सा लास्ट में आटा में क्यों छोड़ती हूँ, तो ये ना लास्ट की रोटी हमको नहीं खानी चाहिए, वो लास्ट की रोटी कुत्ते को दे देनी चाहिए। तो मैं इसलिए उतना छोटा सा थोड़ा सा आटा बचा करके और छोटी सी रोटी बना देती हूँ उसकी, जिसमें वो लास्ट की रोटी ना कुत्ते को चली जाती है। पहली रोटी गाय को और लास्ट वाली रोटी कुत्ते की। तो ये रोटी मेरी सारी सिक चुकी है, बस लास्ट रोटी है उसको बना दूंगी मैं।
तो हमने बचपन से सुना है कि अगर लास्ट की रोटी हम खाते हैं तो दिमाग कम हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट की रोटी कुत्ते को दे देती हूँ। अब आप ये मत बोलिएगा कि कुत्ते का दिमाग कम करने के लिए मैं लास्ट की रोटी उसे देती हूँ, पर ऐसा कहा जाता है कि पहली गाय की रोटी रहती है और लास्ट वाली रोटी कुत्ते की ही होती है, इसलिए ऐसा करना होता है। पर अब ये मन की भ्रांति है, जैसा इंसान करने लगे, पर मेरी आदत हो गई, मैं ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं ऐसे धीरे धीरे सफाई कर लूँगी, क्योंकि फैला फैलाया किचन कई लोगों की आदत रहती है, बस बन गया और खा लिया पी लिया, वहाँ पर सफाई नहीं की। पर मैं पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद खाने बैठती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो कढ़ी है, थोड़ा चावल है, अचार भी ले लिया है, रोटी ले ली है मेरी। तो फ्रेंड्स मैं तो खाने जा रही हूँ और 3:30 बज रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं काम में इतनी व्यस्त थी और जब तक मैं नहा ना लूँ तब तक मेरा मन नहीं करता, पता नहीं कैसी आदत है मेरी। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, भूख लगी बहुत ज़ोर की, और मैं सोऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो का काम हो गया है। अलार्म लगा के सोऊंगी, करेक्ट 5 बजे उठूंगी। कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, और इतनी अच्छी बनी है तीखी, वो मिर्च खा ली मैंने खड़ी, यानी कि लाल जो मिर्च मैंने डाली थी वो खा ली, आंसू निकलने लगे। कढ़ी ने मुझे रुला दिया, काफ़ी दिन बाद कढ़ी बनाई है, मट्ठा नहीं था और आज मट्ठे की व्यवस्था हुई तो बोला चलो कढ़ी बना लेते हैं। अभी खाई है, अच्छी है, बढ़िया सी रेसिपी बताइए आप लोग, जरूर बनाना, गाजर और गोभी की कढ़ी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई हूँ, मैं छत पर आ गई हूँ चिप्स निकालने के लिए। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने चिप्स में ऐसा क्या ऐड किया था। आप लोगों को कह दूँ कलर के लिए, अगर वाइट वाइट चिप्स चाहिए और आपको, तो आप इसमें बिल्कुल नामात्र के लिए थोड़ा सा फिट करी डाल दीजिए, तो इससे आपके चिप्स वाइट वाइट बनेंगे। और इसमें नमक ऐड कर देंगे ना आपको, आपका जो मन है वो नमक, तो इससे ना चिप्स का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, और उसमें फ्राई करने के बाद खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखो मैंने इतने चिप्स बना लिए हैं, एक बार और देखेंगे, थोड़ा बहुत बना लेंगे, बट इतने काफ़ी हमारे लिए हो जाएंगे। तो देखो कितने बढ़िया से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स चिप्स बन गए हैं, ये देखो तो मेरी मेहनत, 3 किलो आलू के चिप्स हैं, ये अच्छे हैं, छोटे बड़े जितने भी मैंने इतने बना दिए काफ़ी हैं। और पीछे अचार दिख रहा है, अचार भी पक रहा है धूप में, मैंने कंघी भी नहीं की है, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, अभी मैं कंघी करूँगी, बालों को सुलझाऊँगी, पहले चाय पीऊँगी उसके बाद। मैं बोल रही हूँ श्रेया से कि कंघी ले आए मेरे लिए, तो मैं कंघी कर लूँगी, कंघी नहीं हुई है, 2 दिन हो गए कंघी नहीं की है, और ये चोटी खुल गई है पूरी जैसी मैंने गुथी थी। ए श्रेया जल्दी चाय पी लेना, क्या ड्रेस, अब जल्दी से पी ले चाय। तो फ्रेंड्स शाम का सूरज ये देखो बड़ा लाल लाल सा दिख रहा था, श्रेया ने बोली मम्मी देखो कितना सुंदर लग रहा है, बट वीडियो पे इतना क्लियर नहीं आया, बट मैंने जूम किया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, सच्ची लाल लाल दिख रहा था बिल्कुल से। मैंने बोला चलो हम अपने वीडियो पर ले लेते हैं सूर्य भगवान जी को। कल श्रेया का एग्जाम है, श्रेया कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं पेपर कहाँ से आ जाते हैं। ये मैं चल रही लाना जरा पानी। हमने ना रील बनानी थी, तो हमने बोला श्रेया एक वीडियो बना लेना, बिल्कुल धीरे धीरे से जूम करना, तो ये बनी है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।